नहीं मतलब एक बार एक दो पंच बचा करके दिखा दो एक बार। बिल्कुल भाई कर रहे हैं देख का भाई। लो भाई सारे भाई ना मेरे राम राम। तो ये टाइम हो रहा है कति 1 बज का भाई, कति शिखर दो फायर में हम खड़े हैं। तो मैं आज बात करना चाहूंगा हरियाणा का सबसे बड़ा आज दिन है भाई, मैं बात करना चाहूंगा खेल दिवस के बारे में। और आज जहां मैं तुमने लेकर जा रहा हूं सारे भाइयों ने, हम फरीदाबाद के सबसे मशहूर बॉक्सिंग क्लब के सामने खड़े हैं भाई। अरब मैं मौजूद हूँ, मैं कति रूबरू हूँ, एक बार दिखा देना चाहूंगा कैमरा मैन साथी तक, एक बार दिखा दो भाई। द्रोणाचार्य बॉक्सिंग क्लब के साथ में खड़े हैं, सबसे मशहूर जाना माना स्पोर्ट्स क्लब है यो फरीदाबाद का, एकलौता। हाँ भाई एकलौता अनोखा सब तो है कति जिसने कहा करे। तो भाई यहाँ पे हमारे साथ एक साथी जुड़े हुए हैं, अभी हम जुड़े हुए हैं अपने नौजवान कति नु अट्टे कट्टे कति बूरा गुड़ घी शक्कर इसी कौन सी चीजें खाई होगी। चलो पूछ सा इसका क्या चक्कर है भाई। हाँ तो भाई आपका नाम क्या है, एक बार नाम बताओ सबने। राम राम कर दो वीडियो वाले ने। राम राम जी, मैं राजीव गोदारा, इंटरनेशनल बॉक्सर, 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन, 1 टाइम एशियन चैंपियन। और मतलब कि हमारी तो डाइट का राज क्या है, दूध दही का खाना, ये मेरा हरियाणा। तो इसी हिसाब से पूरा मतलब कि डाइट पूरी लेके जो शरीर तगड़ा हो रखा है पूरा ही। अच्छा तो आज स्पोर्ट्स डे है। हाँ जी, खेल दिवस जिन्हें कहा करें, तो उसके बारे में क्या कहना है। देखो जो स्पोर्ट्स डे है वो मेजर ध्यानचंद के उसमें याद में किया गया था, क्योंकि यह हॉकी के सबसे बड़े जादूगर है मेजर ध्यानचंद, और उनके नाम से अवार्ड भी बना है ध्यानचंद अवार्ड, जो अभी मिलने हैं काफ़ी खिलाड़ियों को। तो उन्हीं के दिवस में जैसे वो हॉकी के इतने बड़े स्टार रहे थे, तो जब ही उनकी शुरुआत स्पोर्ट्स डे पे के नाम से करी। मतलब कैन का मतलब पूरा क्रेडिट उनको दिया जा रहा है, उनने के ऊपर ये बनाया जा रहा है स्पोर्ट्स डे। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कुछ ये गद्दे से भरकर लटका रखी है, क्या सही है, क्या कहना चाहो इसके बारे में, बॉक्सिंग है ये भाई साहब। इसमें यूँ है कि मुख्य मार्ग अपनी जान मान खतर है, अपना कोई मतलब हम क्या है कि भाई इस पे अपना गुस्सा तारे करा। तो इसमें ये बॉक्सिंग किट है, जो पंचिंग बैग है इनको कहते हैं, इनमें पंच वगैरह मार के बच्चे अपनी स्ट्रेंथ को और कॉम्बिनेशन को और वर्कआउट स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं। शोल्डर स्ट्रेंथ के लिए भी है और एक्यूरेसी के लिए, पंचिंग और कॉम्बिनेशन सेट करने के लिए ये टारगेट होते हैं जिन पे बॉक्सर अपने कॉम्बिनेशन मारते हैं। मतलब किसे भाई जो एक खिलाड़ी है, मतलब कि दो अपोनेंट है, ये अपोनेंट का काम करता है। आप हर किसी को रोज नहीं पीट सकते, लेकिन इसको कितनी बार पीट लो कोई, ये कुछ ना कहो है। मतलब क्या इनका मतलब ये हो जो सौदा लटक रहा है, हैं ये छोटी ढीलाकरण का है, अपने हरियाणी देसी भाषा में कहता हूं ये छोटी ढीलाकरण का है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप भी ना कोई ना भाई मेरी बस की बात को ना, मैं लटक जाऊंगा रे। नहीं मतलब एक बार एक दो पंच सोचा करके दिखा दो एक बार। बिल्कुल देख का भाई पूरा सवाल आया कदम ने पीट दे भाई। भाई कमेंट सेक्शन में लिख कर दे दियो कि साला गए एक दो पंच। अच्छा मैंने सोचा यार इसके बारे में कहना, यो भी सोचा वही है, इसमें पानी भरा है, पानी भरा हुआ है। हाँ, और इसके अंदर मतलब कि यह पंचिंग बैग की जगह पंचिंग बॉल होती है, इसमें वाटर बॉल के वाटर बैग है ये, ठीक है। इसके अंदर जो मतलब वहाँ जितनी फोर्स से मारते उतना तो वापिस, हाँ वापिस पानी मारे फेंक के। अच्छा। तो वो पूरी उसमें फोर्स में जैसे वापिस आता है। अगर मान लो किसी का जन्मदिन हो तो इसमें आग लगाऊंगे कुछ होगा ना, इसमें पटाखा आदमी को फूट सके इसमें कुछ ना होना। अच्छा मतलब ये गुब्बारा सा है जो कर नहीं छोटा करते हो पुराने, इसमें मतलब चॉकलेट टॉफी ना गिरे इसमें तो सीधा वही। अच्छा एक बार देखना चाहूंगा, मैंने कुछ हर चीज नजर आ रही है बहुत देर तक देख रहा, ये गद्दे धरे पड़े हैं। हाँ जी। ये गद्दे किस से हैं, ये मैट से, इसका क्या सीन है। देखो ये जो मैट है ना, ये मैंने मतलब कि कुछ यहाँ पे बिछाने के लिए मतलब ग्राउंड पे बिछाने के लिए लाया था, और कुछ जो मतलब कि यह जो एकेडमी की ये को नहीं बॉक्सिंग में जो रिंग है इसके ऊपर क्या होता है थोड़ा बाउंस चाहिए होता है पैर के लिए, तो इस वजह से प्लाई के ऊपर ना वो 25 mm के ये गद्दे बिछाए जाते हैं और मैट लगाए जाते हैं। मैट के नीचे ये थोड़ा स्पंज का काम करता है, ये बॉक्सर को फुटवर्क करने में हेल्प करता है।
तो इसलिए ये जो किटों ये गद्दे इसी के लिए बुला रखे मंगवा रखे। वैसे इनकी आज सफाई सफुई करी थी तो क्योंकि बच्चे तो आ नहीं रहे कोरोना की वजह से, तो सोचा सफाई कर ले, तो इसलिए यही काम करने लाए। चलो बहुत बढ़िया बात है। मतलब कितने बच्चों ने ट्रेंड करो लमसम, कितने ट्रेंड कर दिया और कितने हाड़े तक काट दिए, ट्रेंड हो जा चुके हैं जो मतलब नू है कि हाँ भाई फलाना अकेडमी द्रोणाचार्य अकेडमी से इतने बच्चे जा रहे हैं, भाई यो कोच है इसके पीछे इसने इतना काम किया है, कुछ है कोई बच्चा जो मतलब कि हमें कई बच्चे इंटरनेशनल है बच्चे हैं और मतलब कि जुकर कुछ बच्चे आर्मी में लाग रहे हैं, कुछ रेलवे में लाग रहे हैं, तो अन्यो हमारा काम के मतलब कि बच्चों को निकालना है। काफ़ी बच्चे इंटरनेशनल है और कई अब मतलब ट्रॉफी भी स्कूल नेशनल गेम्स में ट्रॉफी उठा के लाए थे, अन्यो अभी लड़कियों की भी कंपटीशन हुआ था उसमें गोल्ड मेडल थे, तो हमारे अभी ये पिछले साल जो स्कूल नेशनल गेम्स है इसमें भी 8-9 मेडल आए हैं लड़कियों के भी लड़कों के दोनों को हम ट्रेन कर रहे हैं। अरे बढ़िया जो जितने भी हम कोशिश कर रहे हैं कि नौकरी में बढ़िया तो बढ़िया लग गए, तो यही चीज़ है मतलब रोजगार का रोजगार और ट्रेंड का ट्रेंड कर दिया और रोजगार पाओ मुक्के मारो रोजगार पाओ, ये इनका नियम भाई। बहुत बढ़िया बात है। लेकिन मैं कहूँ एक बार आपसे एक बात करना चाहूंगा, मतलब पहले नु कहा करते गम्मा में कि भाई छोरी नू है मतलब घर चूल्हा चौके में रहनी चाहिए और घर तबाह नहीं निकलनी चाहिए, मतलब एक सीमा लांग दी जाए करती, मतलब या कबाड़ तबाह नहीं निकलेगी और छोरा जो है छोरे ने चाहे कितने भेज दो। अरे देखना चाहो जगह आपने बताया है जितनी मेरी आपसे बात हुई है यो कहा गया मतलब छोरा छोरी में कोई फर्क नहीं है, मतलब जो काम छोरा कर सके छोरी कर सके है ना, बिल्कुल कर सके है। बढ़िया बढ़िया बुक्स मैरी कॉम ने 3 बाल कहीं माँ होगी भी वह इतना मतलब बढ़िया करण ला रही है, तो ऐसा है कि भाई करण खातर बहुत कुछ है न करण खातर बानने हैं, तो अगर जिसने करना नहीं होगा तो वो कुछ नहीं कर सकता, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, और जिसने करना होगा तो वो लड़का तभी बढ़िया कर जाए। वह मतलब कि न्यू है ना बड़े 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 उदाहरण है, कोई एक बॉक्सिंग गेम है न्यू है मुक्के मारने वाला काम है, तो मुक्के भी लड़का लड़की नहीं मारते, लड़की लड़की मारा तो दोनों इससे स्ट्रेंथ इक्वल ही है, सब सबको दो छोरी आपस में लड़नी है, कोई छोरा था तो लड़नी तो रही, तो ये चक्कर है कि भाई उसमें सबसे बड़ी बात यही है कि भाई इक्वली तो दोनों हाथ लड़ान ला रहे और कोई तो है नहीं, तो इसी चक्कर में लड़कियां ने भी और लड़का ने भी दोनों ने बराबर समझो और अपना जितनी हो सके बहन बेटियां ने मतलब आगे बढ़ाओ। ये देश में मतलब मेडलां ही कमी होती जा रही है, तो ये तो पूरा करे इतने दूध दही का खाना ये मेरा हरियाणा न्यू सोच के भी अगर घर बैठे रहोगे तो क्या करोगे, कुछ नहीं दूध दही ना के कहाँ ले जाओ, मोबाइल पीछे दुनिया पड़ रही है। मतलब यह जो मोदी जी की योजना है कि मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मतलब यह योजना तो मतलब आप इस पर मतलब कभी खड़े उतरे हो कर रहे हो इसने बिल्कुल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी खिलाओ, हम तीनों हम तो न्यू कहूँ कि भाई जे मारी छोरी क्यों ना, मैं भी अपनी लड़की मेरी 6 साल की हो रही है तो मैं भी न्यू सोचूँ कि भाई बढ़िया बॉक्सर बनाऊँ, बना ना बना वो अलग बात है, लेकिन हमारा काम प्रैक्टिस कराना है, उसको एक चीज देनी है जिस जगह तक हम बने हैं तो वह तो कम करवावा। अच्छा। एक चीज की नॉलेज भाई ना करवाई तो क्या फायदा। हाँ, और ये मैं देख रहा हूँ कुछ यार है ये डोले शोले गार्डन थी दर रखे हैं, जिम का सामान भी दर रखे है, ये नुवे पड़ा है ये सामान जो कर थाड़ा सफाई सफुई करने खातर ये पूरा कबाड़ हो रहा है, अरे मतलब तारा मिलना हो गया, अब उनमें के कवाए भाई इनमें इसी चक्कर में अभी पड़े हैं, इनकी काल सफाई सफुई करवाओगे और बच्चे आ जाएंगे तो प्रैक्टिस करवानी है। अच्छा एक बार मैं ये जानना चाहूंगा, एक बार ये जो लगा रखी है ऊपर या रिंग सी लगा रखी है जो WWE होगा टीवी में देखा करे, तो इसके बारे में क्या कहना चाहो, मतलब अगर मान ले कोई छोरा है छोरी है मतलब बिड़ रहे हैं गुत्थम गुत हो रही है तू तो डाक मतलब खड़ा लड़ाई चल रही है उनमें, अगर मान ले वो पड़ गए तो नीचे कुछ सिक्योरिटी है इसमें मतलब बच्चन की कुछ मतलब खूनम खानम तो नहीं है या कुछ ऐसा कुछ साइन होया करे कि भाई तुम अपनी जिम्मेदारी पर लड़ रहे हो फूट फाट के
अपना साइन कर जरूर होया देखो मरे तो आज तक कोई है को नहीं न्यू है कि एक नॉकआउट वो होता है कि भाई अगर कोई भी पंच लग जाता है ईट का तो वो मतलब दूसरे वाला काबू नहीं कर पाता तो वो मैच वहीं पे रोक दिया जाता है, दूसरे को विनर कर दिया जाता है। ऐसा नहीं कि उसको उठा के दोबारा था उसका ओसमान के बाद मैंने कहा अब आज हो रहा है अब लड़ांगे तो न्यू वाला काम ना है। उसको न्यू है भाई वो मैच उसी डिसीजन वहीं पर ही हो जाता है। पंच हिट लगते रहा मैं कोई अब दीवार के भिड़ जा सिर तो जल्दी सिर चकरा जाए तो ये तो मुक्का है कब लाग जाए तो ठीक है चकरा जाए न करे तो भाई जीत जाए बुक्स कोई बात नहीं। ठीक है भाई तो मैं आज अपनी वीडियो में यहीं समाप्त करता हूँ। हमारी बात हुई थी हम जीत खड़े थे ये अपना है द्रोणाचार्य बॉक्सिंग क्लब जिसना भाई इंटरेस्टेड हो ठीक है कमेंट सेक्शन में लिख दियो आर नंबर वंबर सब मिल जाएगा और जितना हो सके इस वीडियो ने लाइक सब्सक्राइब कर दियो आगे तक खड़का दियो रुक नहीं नीचे आग लगा दो बर्बाद कर दो फटना कर दो तबाह कर दो बस इसमें मिट जाओ जो भी करना करो पर इस वीडियो ने आगे तक शेयर करो। जय हिंद।